की बड़ी अपडेट रूसी यूक्रेन जंग को लेकर। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि युद्ध की वजह से देश को 600 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस हमले में लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल तबाह हो गए हैं। इधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रॉन्स का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग अगले 10 साल तक जारी रहेगी। एक और बड़ी अपडेट, सुमी के गवर्नर का कहना है कि रूसी सेना बीते दिनों में आधे घंटे में शहरों पर 50 से ज़्यादा हमले कर चुकी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इशारों में पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी।